नमस्कार दोस्तों, आज हम कंप्यूटर के डेवलपमेंट से संबंधित बात करेंगे। हिंदी में कहें तो कंप्यूटर के विकास के बारे में बात करेंगे। तो कंप्यूटर का विकास किस प्रकार हुआ था? तो आपको बताएं कि कंप्यूटर का विकास एक चरणबद्ध तरीके से हुआ था, जिसे हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, या हिंदी में बात करें तो कंप्यूटर की पीढ़ियां कहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, या हिंदी में बात करें तो कंप्यूटर की पीढ़ियां कहेंगे। तो कंप्यूटर की पीढ़ियां है, तो आज तक वर्तमान में जब कंप्यूटर का विकास चल रहा है, तो आज तक कुल 5 पीढ़ियों में विकास का चरण चल रहा है, और 5वीं पीढ़ी अभी वर्तमान में चल रही है। तो हम बात करेंगे प्रथम पीढ़ी की। प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर कौन सा होगा? तो सर्वप्रथम इसका समय काल ज्ञात करेंगे कि इसका समय काल क्या था। तो इसका समय काल था 1946 से लेकर 1956 तक का जो काल था वो प्रथम पीढ़ी का काल कहलाता है। अब इसमें कौन कौन सी डिवाइसों का यूज किया गया, तो आप देख आपके सामने है कि एक किया गया वैक्यूम ट्यूब का उपयोग, यह जो वैक्यूम ट्यूब है इसका उपयोग किया गया था इसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप से, या इलेक्ट्रिक जिसे कह सकते हैं हम, इलेक्ट्रिक रूप से वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। और जो आपकी वैक्यूम ट्यूब है इसका आविष्कार किया गया 1904 में जॉन एम्ब्रोज, फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने इसका आविष्कार किया था। और इसके अलावा प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग किया गया था। मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग किया गया था आपके स्टोरेज के रूप में, जिसे हिंदी में भंडारण कह सकते हैं। और इसके अलावा इसमें एक इनपुट के रूप में यूज किया गया था पंच कार्ड का, इनपुट के रूप में पंच कार्ड का उपयोग किया गया। पंच कार्ड के बारे में आपको कंप्यूटर की हिस्ट्री पढ़ाते समय बताया था कि पंच कार्ड का सर्वप्रथम प्रयोग एक फ्रांसीसी बुनकर जोसेफ जैकार्ड ने किया था,1801 में, किसके लिए? बुनाई के कार्य के लिए। और उसके बाद में इसका दोबारा प्रयोग किया था हरमन हेलरिंक ने, जो पंच कार्ड का वास्तविक आविष्कारक माना जाता है। इसने जनगणना विभाग में पंच कार्ड का प्रयोग किया था, ठीक है। अब इसके अलावा प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर में कौन कौन सी भाषाओं का उपयोग किया गया, तो इसमें भाषा थी आपकी मशीनी भाषा, या जिसे हम कह सकते हैं असेंबली भाषा। असेंबली भाषा भी जिसे हम बोल सकते हैं, जो ये मशीनी भाषा या असेंबली भाषा, इसे हम लो लेवल की लैंग्वेज कहते हैं, लो लेवल लैंग्वेज, या हिंदी में बात करें तो निम्न स्तरीय भाषा कहते हैं, निम्न स्तरीय भाषा। इस प्रकार प्रथम पीढ़ी का विकास कंप्लीट हुआ। अब हम द्वितीय पीढ़ी के बारे में बात करेंगे। कौन सी पीढ़ी है? सेकंड जनरेशन या द्वितीय पीढ़ी। जो आपकी द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर है इसका समय काल था आपके 1956 से लेकर के 1964 तक, और इसमें आपके इलेक्ट्रिक रूप से प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। अब वैक्यूम ट्यूब के जगह नई
डिवाइस का उपयोग किया जाएगा जिसका नाम है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाएगा, ट्रांजिस्टर का उपयोग इलेक्ट्रिक रूप से किया जाएगा, या हम यह भी कह सकते हैं कि वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाएगा। ट्रांजिस्टर का आविष्कार है जो आपको बताएं 1947 में किया गया था, 1947 में विलियम शॉकली, विलियम शॉकली और एक व्यक्ति और था इसके साथ जॉन बर्डन, इन दो व्यक्तियों ने मिलकर इसका आविष्कार किया था। अब इसमें स्टोरेज के रूप में उपयोग किया गया था आपके, स्टोरेज के रूप में है। पहली पीढ़ी में मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग किया गया था, इसमें मैग्नेटिक टेप का उपयोग किया गया। मैग्नेटिक टेप का उपयोग किया गया था। इसके अलावा इसमें इनपुट के रूप में उसी पंच कार्ड का उपयोग किया गया, पंच कार्ड का उपयोग, ठीक है। और भाषा थी इसमें, प्रथम पीढ़ी में लो लेवल की लैंग्वेज थी, तो इसमें हाई लेवल की लैंग्वेज होगी या उच्च स्तरीय भाषा जिसे हम कह सकते हैं। अब यह तो भाषा का लेवल हो गया, स्तर हो गया। भाषा कौन सी थी? एक तो आपकी थी फोर्ट्रेन और एक थी कोबोल। जो आपकी फोर्ट्रेन भाषा है इसका उपयोग करते हैं हम विज्ञान के क्षेत्र में, वैज्ञानिक पूर्वानुमान से संबंधित कार्य करते हैं, या जो भी वैज्ञानिक प्रयोगशाला में जो कार्य किए जाते हैं उनका, उसमें फोर्ट्रेन भाषा का प्रयोग किया जाता है। और जो आपकी कोबोल भाषा है उसका प्रयोग करते हैं वाणिज्यिक क्षेत्र में, वाणिज्यिक क्षेत्र में कोबोल भाषा का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में। जो तीसरी पीढ़ी है आपकी, या थर्ड जनरेशन कह सकते हैं जिसे, तृतीय पीढ़ी का कंप्यूटर, सर्वप्रथम तो वही है। इसका भी हमें समय काल ही बताना है कि कितने समय तक चला था। तो समय काल था वह समाप्त हुई थी 64 में, तो यह 1964 से लेकर 71 तक का समय काल है जो थर्ड जनरेशन का समय है। अब इसमें पहले पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का, दूसरी में ट्रांजिस्टर का, और इसमें ट्रांजिस्टर के स्थान पर एक नई डिवाइस का उपयोग किया जाएगा जिसका नाम है IC, फुल फॉर्म के रूप में कहे, फुल फॉर्म के रूप में कहे तो इंटीग्रेटेड कार्ड, इंटीग्रेटेड कार्ड का उपयोग किया गया था इलेक्ट्रिक रूप से। और जो इंटीग्रेटेड कार्ड है इसका आविष्कार किया गया था 1950 में, 1950 में जेफ किल्बी ने। जेफ किल्बी और इसमें भी दो व्यक्ति था, एक का नाम था विलियम नॉइस, विलियम नॉइस। इसके अलावा इसमें जो स्टोरेज के रूप में है, स्टोरेज के रूप में इसमें हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क का उपयोग किया गया, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क का उपयोग किया गया था। अब जो थर्ड जनरेशन है उसमें इनपुट के रूप में प्रथम दो में किसका प्रयोग किया गया था? आपके पंच कार्ड का प्रयोग किया गया था, परंतु हम यहां पर पंच कार्ड का प्रयोग नहीं करेंगे, इनपुट के रूप में पंच कार्ड का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास आ गया है क्या, कीबोर्ड आ गया है, और कीबोर्ड के साथ ही एक और आ गया है उसका नाम है माउस। कीबोर्ड और माउस आ गए हैं तो इनका प्रयोग करेंगे इनपुट के रूप में, न कि पंच कार्ड का। और भाषा की बात करें तो वही भाषा है फोर्ट्रेन और कोबोल, उसके साथ में एक भाषा और मिला दी गई है, बेसिक भाषा, बेसिक
और आपकी हो जाएगी कोबोल। ये तो बेसिक भाषा है, ये सभी प्रकार की भाषाओं को सिखाने का कार्य करती है। अब देखते हैं चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में। जो चतुर्थ पीढ़ी है या फोर्थ जनरेशन जिसे कहते हैं, चतुर्थ पीढ़ी का समय काल है 1971 से लेकर 89 तक, 71 से 89 तक। अब उसमें किसका प्रयोग किया गया? इंटीग्रेटेड कार्ड का। अब इलेक्ट्रिक रूप से इंटीग्रेटेड कार्ड की जगह एक नई डिवाइस का प्रयोग करेंगे जिसका नाम है VLSIC, वेलजिक, या फुल फॉर्म कहे तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट और स्टोरेज के रूप में, स्टोरेज के रूप में वही हार्ड डिस्क का प्रयोग किया गया, हार्ड डिस्क का। और इनपुट के रूप में भी उन्हीं कीबोर्ड और माउस का प्रयोग किया गया। कीबोर्ड और माउस का उपयोग किया गया। अब आपके भाषा है, जो भाषा का क्षेत्र जानने हेतु इनमें छोटी मोटी सभी भाषाएं आ गई, जैसे अन्य भाषाएं है आपकी C++ है, इसके अलावा है आपकी एक भाषा है जावा, जावा भाषा है, VB है, SQL है, ये सभी भाषाएं इनमें आ गई। और इन सभी भाषाओं को क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट हिंदी में लिखते था ओरिएंटेड लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, अब इसमें एक नई वस्तु का प्रयोग किया गया, वो क्या थी? आपकी माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था, माइक्रो प्रोसेसर। बहुत मोस्ट है ये माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग है तो कंप्यूटर की फोर्थ लेक जनरेशन में किया गया। इसके बाद में हम अंतिम और वर्तमान जनरेशन के बारे में बात करेंगे कि कंप्यूटर की जो अंतिम है और वर्तमान जनरेशन है वो कौन सी है। तो ये है पंचम पीढ़ी, पंचम पीढ़ी का कंप्यूटर जिसका समय काल है ये 1989 से प्रारंभ हुई थी और वर्तमान में चल रही है अभी। अब जो ये पीढ़ी है, पंचम पीढ़ी का कंप्यूटर है, इसका एक उद्देश्य है कि जो आपका कंप्यूटर है उसे कृत्रिम रूप से समझदार बनाना, कृत्रिम रूप से समझदार बनाना। कृत्रिम रूप से कंप्यूटर को समझदार बनाना इसका उद्देश्य है। और इसके अंतर्गत जो इलेक्ट्रिक रूप से है इसमें एक डिवाइस का प्रयोग किया गया ULSIC जिसका फुल फॉर्म है अल्ट्रा अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है।
और इनपुट के रूप में स्टोरेज में वही हार्ड डिस्क से कीबोर्ड माउस का प्रयोग किया गया। और कृत्रिम रूप से समझदार बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है, जिसे इंग्लिश में बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। लिख देता हूं यहां पर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ठीक है। इस प्रकार कंप्यूटर का विकास चरणबद्ध प्रक्रिया से अभी भी चल रहा है, वर्तमान में रुका नहीं है। तो आज का टॉपिक इस प्रकार हमारा कंप्लीट हुआ। इससे पहले हमने दो टॉपिक, एक तो कंप्यूटर के प्रकार से संबंधित यानी सामान्य परिचय से संबंधित, जिसमें कंप्यूटर की परिभाषा प्रकार आदि के बारे में बताया गया था, और एक में कंप्यूटर के इतिहास से संबंधित हमने बात की थी। तो वो टॉपिक अभी तक आपने नहीं देखे है तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंच जाए, और इस प्रकार हम कंप्यूटर का पूरा कोर्स कवर कर लेंगे 1 महीने के अंदर।